ग्लोबल ट्रुथ के नाजरीन एक नई वीडियो में खुशामदी। तीसरी आलमी जंग का वक्त आ गया, मरकज पाकिस्तान चीन होंगे। अब तक की बड़ी खबर ब्रेक हो गई, भारत इसराइल शैतानी इत्तेहाद का पाकिस्तान चीन के खिलाफ खतरनाक फैसला। पाक चीन आर्मी जनरलों की हंगामी मीटिंग, JF-17 थंडर तैयारे सरहद पर पहुंच गए। मशरक वस्त का अमन खतरे में पड़ गया, रूस तुर्की ईरान का बड़ा ऐलान। भारत और इत्तेहादियों के लिए खतरे की घंटी बज गई। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर खुफिया मीटिंग में फौज को कौन सा खतरनाक तरीन हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। इसराइल भारत को आलमी जंग के लिए क्यों उकसा रहा है? दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी जल्द ही जंग की सूरत इख्तियार कर जाएगी। आए दिन पाकिस्तान के खिलाफ इत्तेहादी ममालिक को मुतहद करने वाला भारत दुश्मनी में तमाम हदें पार कर चुका है। नरेंद्र मोदी के आते ही फ्रांस, इसराइल भी पाकिस्तान दुश्मनी में पेश पेश नजर आ रहे हैं, जिनमें एक का मसला इस्लामोफोबिया और दूसरे का इसको तस्लीम करने का है। इस तकोन इत्तेहाद का एक बुनियादी मकसद पाकिस्तान को हर लिहाज से नुकसान पहुंचाना है, जिसमें वो कभी भी कामयाब होने से नाकाम रहेंगे। आलमी माहिरीन के मुताबिक अब तक तीसरी आलमी जंग से मुतालिक जितनी भी पेशगोइयां की गई थी, ये सब पूरी होती नजर आ रही हैं और आइंदा मशरक वस्त के इन ममालिक को ही तीसरी आलमी जंग का मरकज करार दिया जा रहा है। इस हवाले से सामने आने वाली खबरों के मुताबिक एटमी ताकत पाकिस्तान, भारत और इसराइल के मबीन तीसरी आलमी जंग होने जा रही है, जिसके लिए भारत को इसराइल और फ्रांस की मुकम्मल हिमायत हासिल है। इन ममालिक की जानिब से भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जंग के लिए उकसाया जा रहा है, जिस पर पाक फौज भी भरपूर तैयारी के साथ काम जारी रखे हुए है। इस टॉपिक का बाकायदा आगाज करने से काबिल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। दोस्तों, इस शैतानी इत्तेहाद को देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 29 नवंबर को मुल्की खुफिया एजेंसी ISI के हेडक्वार्टर में एक मीटिंग की। तफसलात के मुताबिक इजलास में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर खजाना असद उमर, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन नदीम रजा, एयर चीफ मुजाहिद अनवर, नेवी चीफ अमजद खान न्याजी, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ साहिर शमशाद मिर्जा ने और जनरल फैज हमीद ने शिरकत की। दिफाई माहिरीन का कहना है कि इस मुलाकात के ठीक 24 घंटे बाद पाकिस्तानी JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों को जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात कर दिया गया है। ख्याल रहे कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को खसूसी हैसियत देने वाले आर्टिकल 370 को 5 अगस्त 2019 मनसूख करके पाकिस्तान चीन के साथ जंग का खुला ऐलान कर दिया था। इसके बाद लद्दाख में भी चीन भारत के मबीन कशीदगी सामने आई, जिसके बाद भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अब पूरी तरह हाथ खोलने की तैयारी की जा रही है। खबर ये भी है कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारतीय फिजाइया ने राफेल लड़ाका तैयारे तैनात करने का फैसला किया है, जिसके बाद दो ममालिक की ये जंग फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान भारत के मबीन इश्तियाल अंगेजी का आगाज 8 मई को हुआ, जब हिंदुस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान की एक मौसमी रिपोर्ट को अपने मीडिया पर ब्रॉडकास्ट किया था। इस पर चीन की जानिब से भी रद्दअमल सामने आया और नतीजे में 20 जून 2020 को लद्दाख में चीन के साथ जंग में भारत ने अपने 20 फौजियों की जान गंवाई। इसके बाद हिंदुस्तान के वजीर दिफा ने पार्लियामेंट में बयान दिया कि चीन ने 17 सितंबर 2020 को लद्दाख में 38,000 मुरब्बा किलोमीटर हिंदुस्तानी एराजी पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है, लेकिन मोदी ने अपने ही वजीर दिफा के बयान को झूठा कहकर ये काउंटर बयान में कहा कि हिंदुस्तान का एक भी इंच किसी के कब्जे में नहीं है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हकाइक को देखा जाए तो चीन न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी अपने कदम जमा रहा है। पाकिस्तान चीन के इस मामले पर खुलकर हमायत करता है, जबकि भारत भी इत्तेहाद को काउंटर करने के लिए इसराइल फ्रांस के साथ गठजोड़ कर रहा है। दोस्तों, माहिरीन की जानिब से सऊदी अरब को भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल के तौर पर देखा जा रहा था, जिसको अब साइडलाइन कर दिया गया है, क्योंकि सऊदी अरब ने मसला कश्मीर में पाकिस्तान का साथ देने से इनकार कर दिया था और इसके पीछे इंडिया का हाथ था। सऊदी अरब ने भारत के साथ इत्तेहाद किया और मुआशी जंग मुसलत करने की कोशिश में पाकिस्तान से अपना बाकी $2 बिलियन कर्ज वापस मांग लिया और तेल की फराहमी भी खत्म करने की धमकी दी। यही नहीं, मुत्तहिदा अमारात ने पाकिस्तान के 3,000 वीजे मंसूख किए, जिस सबके पीछे मास्टरमाइंड इसराइल था। भारत और सऊदी अरब इसराइल के इशारों पर चल रहे हैं। अब की इतलात ये है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अमारात ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कमजोर करने की धमकी दी है, ताकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, जबकि पाकिस्तान के तमाम इदारों की जानिब से इस अमल पर इनकार कर दिया गया था। 24-25 नवंबर को बहरीन और मुत्तहिदा अमारात के दौरे के दौरान भारतीय वजीर बराए एस जयशंकर ने बाअसर अरब ममालिक के सरबराहान से मुलाकात की। इस दौरान अरब ममालिक से पाकिस्तानियों को निकालने का हुक्म भी दिया और इत्तेलात के मुताबिक जल्द ही वो सऊदी अरब का भी दौरा करेंगे।
दोस्तों दूसरी जानिब देखा जाए तो हिंदुस्तान को इसके दरियाना इत्तेहादी रूस की तरफ से बड़ा धचका लगा है। अमेरिका के साथ बेका मुआहदा करने के बाद रूस ने भारत को सरे राह छोड़ दिया है और चीन, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान के साथ अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को आगे बढ़ाया है। 1962 में चीन के साथ जंग के बाद से भारत की ख्वाहिश थी कि वह अमेरिका के साथ मिलकर चीन के खिलाफ इत्तेहाद करे। दरे असना इसराइल मशरकी सरहदों पर चीन पाकिस्तान से लाख खतरे को काउंटर करने के लिए भारत की भरपूर हिमायत कर रहा है। पाकिस्तान ने 6 अगस्त 2020 के बाद से खुद को सऊदी अरब से दूर किया और 14 अगस्त को मुत्तहिदा अमारात ने इसराइल को कबूल किया था। दोस्तों मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक अब एक और आलमी जंग के लिए मैदान तैयार हो रहा है। मुबैना तौर पर इसराइल की खुफिया एजेंसी के मुताबिक ईरान अपने जौहरी साइंसदान के कत्ल के बाद अमरीका और इसराइली असासों पर हमला करने पर जोर कर रहा है। अमरीका, जापान, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान की मदद से चीन के जनूबी समुन्दर को घेरे में ले रहा है। हमालिया की सूरत हाल भी दिन ब दिन और संगीन होती जा रही है। चीन के वज़ीर दिफा वी फेंगी ने 28 नवंबर को नेपाल का दौरा किया। मई 2020 में हिंदुस्तान ने नेपाल पर हिंदुस्तानी इलाकों पर मुश्तमिल एक नए नक्शे के ऐलान पर सख्त एतराज उठाया था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तैयारों के मामले पर तनाजा पैदा होने के चंद ही घंटों बाद वी ने पाकिस्तान का भी दौरा किया और इतलात के मुताबिक हिंदुस्तान और चीन ने लद्दाख में प्यांगोंग तुस झील के दोनों तरफ एलीट कमांडोज पहले ही तैनात कर दिए थे। वी के दौरे के बाद आखिरी आवाज जंग की सुनाई दे रही है और इसके लिए चीन पाकिस्तान दोनों तैयार हैं। जैसे जैसे जंग का वक्त करीब आ रहा है चीन भारत लद्दाख में मजीद तैयारियां करने में मसरूफ हैं और पाकिस्तान को भी जदीद तरीन हथियार मुहैया कर रहा है। आलमी दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत के मद्दे मुकाबिल चीन और पाकिस्तान जोहरी ताकतें हैं और हालात और वाकयात को देखते हुए एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी तरह जंग में बदल सकती है। इसराइल के जरिए ईरानी साइंसदान का कत्ल जो एक तवील अरसे से प्लान में था कर दिया गया। ये कत्ल नए अमरीकी सदर जो बाइडन के लिए भी एक मुश्किल बन सकता है। जोसेफ बाइडन 21 जनवरी 2021 को इक्तदार में आते ही मशरिक वस्ता के लिए क्या पॉलिसी मुतारिफ कराएंगे कि इस बारे में कुछ भी कहना कबल वक्त हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में भी शेयर कर दें। शुक्रिया।